50 दिन 55 दिन हो गए यहाँ लगे हुए। हो गया, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो टेक्निकल इशू की वजह से अपन थोड़ा सा लेट हो गए हैं। पहले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, जो भी आपको अच्छा लगता है। और नवरात्रि, फर्स्ट नवरात्रि से इस काम में लगे हुए हैं, तब 50 दिन में आके आज आपके सामने लाइव आ पाए हैं। और अभी भी तकरीबन अपन आधा घंटा लेट हैं, 6:15 का टाइम था और 6:45 हो गए हैं। लेकिन टेक्निकल टीम लगातार लगी हुई थी, सभी को मेरी तरफ़ से धन्यवाद कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मैं तो, तुमको, आप लोगों को पता है, मैं तो जल्दी इरीटेट हो जाता हूँ, तो मैंने तो एक बार कह दिया था कि चलो मंडे करेंगे, लेकिन इन लोगों को बहुत धन्यवाद कि इन्होंने कहा कि नहीं नहीं आज ही करेंगे, हो गया है। तो एक लंबे अंतराल के बाद आप सब से मेरी मुलाकात हो रही है। हिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स को, कॉलेज लेक्चर की तैयारी करने वाले सभी मेरे दोस्तों को मेरी तरफ़ से नमस्कार। आए आप सब लोग बढ़िया होंगे। और यादराम कराया नमस्कार, और यादराम बढ़िया जॉब कर रहा होगा, स्कूल लेक्चर बन गया यादराम, अब कॉलेज लेक्चर की बारी है। अब सबके नाम लेना तो मेरे लिए संभव होगा नहीं, है ना। अमर कश्यप करौली से बहुत बेहतरीन, राजकुमार, सुनील, सीमा, प्रेमचंद अभी, हाँ टीचर बना प्रेमचंद सेकंड ग्रेड में अभी, आप सब इतने अच्छा। प्रकाश, हाँ फर्स्ट ग्रेड भी लाएंगे ना अभी, आज तो शुरू हुआ है, अपन सब कुछ लेके आएंगे, सब कुछ। अपना जो था एम कि अपन IASRS के लिए करें, उसके लिए अपन प्रयासरत हैं, तो वो शुरू कर दिया है, आज से शुरू हुआ है। और मोहम्मद इम्तियाज़ असरफुल, अरे इम्तियाज़ तूने तो KBC में धूम मचा रखी है। सभी को पता होना चाहिए, जो पिछला बैच अपन ने पढ़ाया था उसमें ये मोहम्मद इम्तियाज़ असरफुल अपना स्टूडेंट था, जालौर से है ये, और KBC में अमिताभ बच्चन साहब का ये बहुत प्रिय है, उनसे खूब सारे पैसे ये जीत के लाता है ताकि यहाँ हिस्टोरिका में जमा करा सके। और गुजर धारा सिंह अभी टीचर है सेकेंड ग्रेड शायद, या स्कूल लेक्चरर है। सरिका बाटी, तो सबके नाम लेना देखो पॉसिबल नहीं है, आप सब लोग आ गए, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, तो सभी को एक बार फिर मेरी ओर से धन्यवाद। शुरू करते हैं अपन, कॉलेज लेक्चर का नोटिफिकेशन आए। अच्छा, कुलदीप अपना स्टूडेंट है, कुलदीप अभी इस समय पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर भी है, टीचर भी है, सभी है ये। कुलदीप काफ़ी देर से लगा हुआ है। और अग्रिमा पब्लिकेशन सर को भी मेरी तरफ से नमस्कार, सबका बहुत सहयोग रहा है। देखो मैं एक बात आपको क्लियर करूं, मेरा हमेशा से मानना था कि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है और जिसमें ये भारत भूमि है, ये, और मेरे मित्र विजय सिंह जी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, इनको भी नमस्कार मेरी ओर से, ये जो भारत भूमि है, ये जो भक्ति की भूमि है, ये द्वैत की भूमि है। आदि शंकराचार्य ने एक फिलॉसफी दी कि एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म नापर, अल्टीमेट दर्शन दिया उन्होंने अद्वैत की। उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी कि यूरोप बहुत दिनों तक भारतीय दर्शन को शंकराचार्य का दर्शन मानने लगा, लेकिन हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जनमानस तक नहीं पहुंच पाए। रामानुज ने कहा कि नहीं नहीं इसमें थोड़ा विशिष्ट मिलाओ कि भक्त और भगवान अगर एक ही हो जाएंगे तो फिर भक्ति किसकी होगी। तो रामानुज जन जन तक पहुंच गए, रामानुज की भक्ति बहुत लोकप्रिय हो गई, और रामानुज के कारण भक्ति आंदोलन चरम सीमा पे पहुंच गया। तो
इतिहास का एक स्टूडेंट होने के नाते, इतिहास का अब मैं टीचर तो क्या कहूँ खुद को, टीचर तो मैं हूँ नहीं ना अभी, तो जब जिस दिन मैं टीचर बन जाऊँगा उस दिन तो फिर आप लोगों को पता ही है कि क्या क्या रहेगा। तो मैं तो अभी खुद को इतिहास का स्टूडेंट ही मानता हूँ, और मैं भी यही मानता हूँ कि हेमेंद्र भी कह रहा है प्रणाम, हेमेंद्र को भी मेरा नमस्कार। और अब की बार उम्मीद है कि हेमेंद्र को तो हम स्कूल लेक्चर बना ही देंगे। मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं जगत में सबसे बेकार पढ़ाता हूँ, ठीक ठाक पढ़ाता हूँ, मेरे से अच्छे पूरी धरती मेरे से अच्छा पढ़ाती है। तो इतिहास के एक स्टूडेंट होने के नाते और इस भक्ति आंदोलन में होने के नाते मेरा हमेशा से ये मानना रहा कि जब जनमानस ईश्वर के लिए, जनमानस ईश्वर के लिए मूर्ति बना दिया, तो हमारे यहां शिक्षा का स्तर हमेशा से गुरुकुल का रहा है। हमेशा गुरुओं ने शिक्षा दी है, साक्षात स्वरूप में दी है। तो फिर ये ऑनलाइन का जो सिस्टम है, ये जो बहुत टेक्नोलॉजी है, अभी मुझे 50 दिन लग गए ये आपके सामने आने के लिए, 50 दिन से लगा हुआ हूँ मैं लगातार, क्योंकि जैसे ही मुझे लगा कि दीपावली के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन नहीं होंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं खोलेंगे, कोचिंग नहीं खोलेंगे, तो तुरंत फिर मैंने निर्णय पलटा कि अगर अपन परिवर्तन के साथ नहीं चलेंगे तो अपन मिट जाएंगे। हम सबके सामने इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है मोबाइल कंपनी नोकिया। जब जमाना बदल रहा था तो नोकिया मार्केट का, मोबाइल मार्केट का सिरमौर था, और नोकिया ने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर आने से मना कर दिया। आपके हमारे सबकी बात है, सबके पास नोकिया 3100, नोकिया 1100, सबके पास ये हैंडसेट थे, सबके पास थे। नोकिया मार्केट का, मोबाइल का किंग था, और दुनिया एंड्रॉयड की तरफ आई, और नोकिया इस घमंड में चूर था कि नहीं नहीं हम एंड्रॉयड पे नहीं आएंगे, मताओ साहब एंड्रॉयड पे। सैमसंग आया एंड्रॉयड पे। इसी समय एक कंपनी और थी एप्पल, आधा कटा हुआ एप्पल, ध्यान है ना आपको, उसने कहा हम एंड्रॉयड पे नहीं आएंगे, और एप्पल वालों ने खुद का एक सिस्टम डेवलप किया जिसको अपन iOS कहते हैं। तो आज एप्पल एक ब्रांड है मोबाइल का, लेकिन नोकिया जो जगत के साथ प्रवाहित नहीं हुआ, जिसने परिवर्तन को मानने से मना कर दिया, आज पूरी धरती एंड्रॉयड पर है। तो नोकिया 3 बार बिक गया, और आज मार्केट में उसका परसेंटेज कितना सा है आप देखिए। तो इन सबको विचार करके मैं तो वो व्यक्ति हूं जो हर परिवर्तन को उम्मीद की किरण से देखता हूं। सरकार भी कोई विधेयक लाती है, राजस्थान गवर्नमेंट भी कोई बिल लाती है, या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बिल लाती है, तो मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि शायद कुछ अच्छा होगा इस बार। तो मैं तो हर परिवर्तन, मैं तो बेसिक रूप में क्या सुधारवादी हूँ, तो मैं तो हर परिवर्तन को उम्मीद से देखता हूँ। लेकिन जब बहुत लंबा अरसा हो गया यार, लगा कि अपन कैसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, अपन कैसे स्टूडेंट से दूर रहेंगे, अपन उनको कैसे ये बात बार बार कहते रहेंगे कि नहीं नहीं ऑनलाइन में कोई पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन टाइम पास है, तो फिर अपने को विचार करना पड़ा। मेरे जो साथ के जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि देख मनोज ऐसे तो होगा नहीं, ये तो अब ऑनलाइन एक अलग इंडस्ट्री बन गई है, तो अब आपको उधर आना पड़ेगा। फिर बहुत सारे जो अपने करंट बैच के जो स्टूडेंट थे, उन सब ने भी फोन कर करके कहा कि सर अब तो वापस जयपुर आना होगा ही नहीं, अब तो क्या करें। तो फिर अपन ने यह निर्णय किया कि अपन हिस्टोरिका का एप्लीकेशन बनाएंगे, अपन भी ऑनलाइन पढ़ाएंगे, और उसकी एक वाजिब फी रखेंगे, और फी में भी कुछ स्पेशलाइजेशन करेंगे जैसा हमेशा से अपनी आदत रही है। और उसकी शुरुआत कर रहा हूँ मैं आपसे कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम से। तो ये तो हो गई अपनी बातें, इन बात करामातों का तो कोई अंत है नहीं है, अपन कितनी भी बातें कर सकते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री वालों के साथ तो ये दिक्कत हमेशा से रही है, स्टूडेंटों के साथ भी ये दिक्कत रही है, टीचर के साथ भी ये दिक्कत रही है, कि बातें कितनी कर लो उनका कोई अंत नहीं है। तो फिर अपन ने स्कूल कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ गया, उसमें जो मेजर दिक्कत थी गुड अकेडमिक रिकॉर्ड की, अपन स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के, शिक्षा मंत्री साहब के, इनके बहुत आभारी हैं कि इन्होंने ग्रामीण बच्चों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उस गुड अकेडमिक रिकॉर्ड को हटाने के लिए RPSC से अभ्यर्थना भेज दी है, प्रपोजल भेज दिया है।
तो आज अपन कॉलेज लेक्चर जो एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है, उसे लेकर अपन बात करने वाले हैं। इसके साथ ही अपन स्कूल लेक्चर का बैच के अनाउंस करेंगे, इसके बाद अपन नेट जीआरएफ का बैच अनाउंस करेंगे, अपन आरएस का बैच अनाउंस करेंगे, अपन आईएएस का बैच अनाउंस करेंगे। ये चार पांच कोर्सेज हैं जो अपन हिस्टोरिका एकेडमी पर बात करेंगे। क्रिसमस तक अपनी एप्लीकेशन आ जाएगी, उसकी बात अपन अलग से करेंगे। तो जब तक अपनी एप्लीकेशन नहीं आएगी तब तक अपन यूट्यूब पर सबको जानकारी देते रहेंगे, कोर्सेज पढ़ाते रहेंगे। अब अपन यहाँ आते हैं, बोर्ड पर बात करते हैं। तो ये तो आपका हिस्टोरिका एकेडमी हमेशा से आपका ही था, मैं तो यहाँ पढ़ाने आता हूँ बस, बाकी तो है ही आप लोगों का ही। देखिए हिस्टोरिका एकेडमी को आप फॉलो कर सकते हो, इसकी वेबसाइट है historicaacademy.com, यूट्यूब पे और फेसबुक पर सेम पेज हैं। फेसबुक पेज है हिस्टोरिका एकेडमी जयपुर और यूट्यूब का चैनल है हिस्टोरिका एकेडमी जयपुर। जब तक अपनी एप्लीकेशन नहीं आएगी, डूंगरा राम, ये डूंगरा मेरा स्टूडेंट रहा है और अच्छा शोधार्थी है हिस्ट्री का, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्कूल लेक्चर बने इस बार और फिर अब की बार ये कॉलेज लेक्चर भी बने, और सरिता के लिए भी मैं यही कहूँगा। तो अपना जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगी तब तक सरिता अपन नोकिया इज़ द बेस्ट अपन हिस्टोरिका एकेडमी पर पढ़ाएंगे, यूट्यूब चैनल का नाम है ये। जब तक एप्लीकेशन नहीं है तब तक अपन क्लासेज यहीं पर लेंगे। तो आप अपने दोस्तों को प्रेरित करो कि इनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं करें तब भी कोई बात नहीं है, तभी अपन काम चला लेंगे, अपने को पता है ना। अब अपन कॉलेज लेक्चरर के परीक्षा पैटर्न पर बात करते हैं। कॉलेज लेक्चर का जो प्रारूप है वो क्या है, अपन इस पे बात करते हैं। कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती होती है वो दो चरणों में होती है, दो चरणों में इसका एग्जाम होता है। कैसे होता है देखिए, इसका जो पहला चरण है ये लिखित परीक्षा है। पहले चरण में जो लिखित परीक्षा है इसमें विषय के, आपके सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं। कॉलेज लेक्चर जो एग्जाम है इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो दो चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में इसका लिखित परीक्षा होती है, इसका रिटर्न टेस्ट होता है, और रिटर्न टेस्ट में तीन पेपर होते हैं। पहले दो पेपर तो सब्जेक्ट के होते हैं, जो भी विषय आपका रहता है उस विषय के होते हैं। पहले पेपर में 150 सवाल आते हैं और प्रत्येक सवाल 1/2 अंक का होता है, यानी 75 अंक। और कितना टाइम होता है इसके लिए, इसके लिए 3 घंटे होते हैं। दूसरा पेपर भी सेम यही होता है, इसमें 150 प्रश्न आते हैं और वो भी प्रत्येक सवाल आधा नंबर का होता है, यानी 75 अंक के होते हैं, और 3 घंटे इसका पेपर का समय होता है। तो विषय के दो पेपर होते हैं, जो भी आपका विषय होता है, जैसे अपना विषय हिस्ट्री है तो अपने हिस्ट्री के दो पेपर होंगे। सिलेबस क्या है इसकी अपन आगे बात करेंगे। तीसरा जो पेपर है वो होता है जीएस, जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज, जीएस जीके का, ठीक है। तीसरा पेपर जीके का होता है और ये तीसरा पेपर ही आपके सबसे पहले होगा। आपके एग्जाम में पहले चरण में जो तीन पेपर होंगे उसमें जो थर्ड पेपर है, जो कॉमन पेपर है, वही पेपर सबसे पहले होगा। और ये पेपर आप तय मान के चलो कि जब आपका विषय का एग्जाम होगा उसमें 1 से 2 महीने पहले होगा। जीके का जो अपना पेपर होगा और सब्जेक्ट का जो पेपर होगा, उन दोनों के बीच में कम से कम 1 से 2 महीने का गैप होगा। आजकल चर्चाओं में भी चल रहा है कि फरवरी मार्च में कॉलेज लेक्चर का एग्जाम करवाने की चर्चा है, तो आप तय मान के चलिए कि अप्रैल तक आपका जीके वाला पेपर हो जाएगा। दोस्तों सभी स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखें कि जिस पेपर की बात कर रही है सरकार वो जीके वाला पेपर है और वो पेपर अप्रैल तक होने की संभावना है। अगर ये पेपर कविता जी आपका अप्रैल में होता है तो आप तय मान के चलिए कि फिर आपके सब्जेक्ट के पेपर जून जुलाई में हो जाएंगे।
तो अपनी पचास होंगे और ड्यूरेशन दो घंटे का होगा। तो ये तो प्रथम चरण हो गया। पहले चरण में जो क्वालिफाई होगा वो सेकंड स्टेज पे जाएगा, वो द्वितीय चरण में जाएगा और उसका क्या होगा, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान थर्ड पेपर आपका ये है पूरा का पूरा। तो इस राजस्थान में क्या क्या होगा, राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का पॉलिटिकल सिस्टम, राजस्थान की इकोनॉमिक्स और राजस्थान की करंट। आपके ये पांच पॉइंट होंगे आपके थर्ड पेपर से। राजस्थान की हिस्ट्री होगी, राजस्थान की ज्योग्राफी होगी, राजस्थान की पॉलिटी होगी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स होगी, राजस्थान की करंट होगी। मैंने पिछले पेपर का जो एनालिसिस किया है उस एनालिसिस को आप देखिए कि हम कई बार पढ़ते खूब रहते हैं
हमारी तैयारी खूब रहती है, हम कोशिश खूब ही करते हैं, ये नहीं कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम खूब पढ़ रहे हैं, हम खूब तैयारी कर रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता और फिर हमको दिक्कत आती है। हमारे आसपास के लोग भी कहते हैं कि अरे तो पढ़ा तो खूब, इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो हमको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है, हमको नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी नहीं करनी। जब नोटिफिकेशन आ जाते हैं उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होना। अजयपाल अभी स्कूल लेक्चरर है, शायद चित्तौड़गढ़ में पोस्टिंग है, लास्ट टाइम जब बात हुई थी, और मैं उम्मीद करूंगा कि अजयपाल अब की बार कॉलेज लेक्चरर बन जाए और हमारे अलवर का और नाम रोशन करे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, हमको नॉलेज ओरिएंटेड नहीं पढ़ना। इसके लिए प्रत्येक एग्जाम के सिलेबस दिए हुए हैं और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमको तैयारी करनी है। अब उस सिलेबस में अभी कहाँ से सवाल ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं उस पर हमको कोशिश करनी पड़ेगी। मैंने एक पिछले पेपर को देख के एक एनालिसिस किया, आप देखिए उसको, आपको अच्छा आपको पता चलेगा कि राजस्थान हिस्ट्री आर्ट और कल्चर के, मैंने कहा कि थर्ड पेपर के कितने सवाल आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, कितने अंक के आएंगे, 50 नंबर के आएंगे। तो हिस्ट्री आर्ट कल्चर में पिछले एग्जाम में 100 में से 21 क्वेश्चन आए, यानी कि पांचवा हिस्सा आया। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो राजस्थान की जो ये पॉलिटी है इसमें से 19 सवाल आए, और राजस्थान की जो ज्योग्राफी है इसमें से 16 सवाल आए, और राजस्थान का जो करंट है इसमें भी 16 ही सवाल आए। तो राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स है इसमें 28 सवाल आए। ये देखिए आप बड़ी बात कि राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स है उसमें से कितने सवाल आए, 28 सवाल आए हैं। राजस्थान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो गवर्नेंस है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्य सचिव है, आरपीएससी है, महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, ये जो छोटे छोटे से जो डिपार्टमेंट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको अपन पवेड कहते हैं, उसमें से छोटा सा सिलेबस है, बहुत थोड़ी सी क्लासें हैं, और उसमें से कितने सवाल आए हैं, 19 सवाल आए हैं। तो एक तो ये पढ़ना है अपने को, राजस्थान का पॉलिटिकल सिस्टम का जो हिस्सा है अपने को ये पढ़ना है। राजस्थान की ज्योग्राफी जिसमें फिजिकल है, मिट्टी है, जलवायु है, उसमें से कितने सवाल आए हैं, 16 सवाल आए हैं। और राजस्थान में कृषि है, राजस्थान में पशु संसाधन है, जनगणना है, वन्य जीव अभ्यारण है, इनमें से, और राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, और राजस्थान सरकार के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए बॉर्डर एरिया में, जो राजस्थान की ज्योग्राफी में भी है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स में भी है, दोनों टॉपिक जो सेम हैं। अच्छा मान सिंह गुजर भाई नमस्कार भाई, ठीक है, और विशाल सिंसिनीवार, विशाल नमस्कार भाई, विशाल अभी भी टीचर है, शायद भरतपुर पोस्टिंग है, और मैं उम्मीद करूंगा कि विशाल इस बार कॉलेज लेक्चरर बन जाए। अच्छा सब आज सब लोग देख रहे हैं बने हुए, अच्छा बहुत 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 बढ़िया, अपने बाकी दोस्तों तक भी पहुंचाओ उनको भी कि अपना हिस्टोरिका का हिस्टोरिका एकेडमी के नाम से अपना क्रिसमस पे अपना एप्लीकेशन आने वाला है, यूट्यूब गूगल पे भी आएगा, और सॉरी एंड्रॉयड पे भी आएगा और iOS पे भी आएगा, दोनों जगह आएगा, है ना। तो दिक्कत नहीं है, कोई ने आईफोन ले रखा है कि मैं कैसे इंस्टॉल करूँ, वो भी इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है ना। तो अपने हिस्ट्री आर्ट कल्चर के 21 सवाल, राजस्थान ज्योग्राफी के 16 सवाल, राजस्थान पॉलिटी के 19 सवाल, राजस्थान करंट के 16 सवाल, राजस्थान इकोनॉमिक्स के 18 सवाल। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो अपन देखेंगे कि सभी पोर्शन से लगभग इक्वल सा रेशियो है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के जो 28 सवाल हैं, इकोनॉमिक्स के जो 28 सवाल हैं, ये 28 सवाल, कुछ सवाल करंट में भी आएंगे, कुछ सवाल ज्योग्राफी में भी आएंगे। तो मोटा मोटी ये अंदाजा रख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर के जो 5 कंपोनेंट है सबका ही कंट्रीब्यूशन, सबका योगदान पेपर में इक्वल है, सब लगभग बराबर आएंगे, सब पे स्टडी करनी पड़ेगी। अब जब मैं आपको इसका पेपर सॉल्व कराऊंगा तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि
किस टॉपिक पे स्पेशल फोकस किया जा रहा है, कहां से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। जैसे अभी अपन हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, भाई वही अपना कोर सब्जेक्ट है तो अपन उस पर बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर में जो 21 सवाल आए हैं वो कहां से आए हैं। देखिए पिछला जो पेपर हुआ इसमें जो पहला सिलेबस का पॉइंट है एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान एंड इट्स मेजर साइट, यानी कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित जो टॉपिक है, इस टॉपिक से पिछली बार 3 सवाल आए। और हिस्ट्री वालों के लिए तो मस्ट है ये पोर्शन, क्यों, इसके 50 सवाल आपके पेपर सेकंड के पार्ट सी में आएंगे। तो 50 सवाल आपके वहां आएंगे और 20 सवाल आपके यहां आएंगे, यानी 70 सवाल। नंबर की बात करें तो 35 मार्क्स। तो आपको तो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर बहुत जरूरी है हिस्ट्री वालों के लिए। तो ये जो प्राचीन सभ्यता से कितने सवाल आए, 3 सवाल आए। अब है राजस्थान के प्रमुख राजवंश कब से कब तक, 1000 से 1800 ईस्वी तक। इसमें मेवाड़, इसमें मारवाड़, मारवाड़ में भी जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, इसके बाद हाड़ोती, हाड़ोती में भी कोटा, बूंदी, झालावाड़, फिर हमारे भरतपुर रियासत, अलवर रियासत, आमेर रियासत, चौहान राजवंश और गुजर प्रतिहार राजवंश। लो ये जो सेकंड पॉइंट है राजस्थान की प्रमुख रियासतें, ये अगर अपन इसको ठीक ठाक पढ़ाएं तब भी अपन 40 से 50 घंटे बिता सकते हैं इसमें। यानी कि टोटल अपन जो सिलेबस पढ़ाएंगे वो टोटल सिलेबस अपन लगभग 70 से और 80 घंटे में पढ़ाएंगे। और इसमें से 50% कहां है, केवल एक टॉपिक पर। अच्छा ठीक है, हाँ टॉपिक है, पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो देख लें हम। अच्छा गणेश यादव जी नमस्कार, गणेश जी हमारे टीचर लगे हुए हैं, और गणेश जी यहाँ सॉरी चाकसू में टीचर लगे हुए हैं। तो ये जो हमारा सिलेबस का जो सेकंड पॉइंट है, जो राजस्थान मध्यकालीन राजस्थान की जो रियासतें हैं, इसमें से पिछली बार 1 सवाल आया। अब आप तय कर लीजिए कि 1 सवाल पर 2 महीने लगाएंगे क्या। पढ़ेंगे तो सही, इसमें कोई दोराय नहीं कि हम पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर पढ़ेंगे, हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन समय कितना लगाएंगे 1 सवाल के लिए, तो ये हमको स्टडी करते समय ध्यान रखना है। पढ़ते समय हमको यही ध्यान रखना है कि हम अपनी एनर्जी किधर लगा रहे हैं, किस दिशा में जाएंगे हम लोग। अच्छा तीसरा पॉइंट है कि राजपूत रियासतों ने मुगलों के साथ जो संघर्ष किया। अब ये जो तीसरा पॉइंट है यही कॉलेज लेक्चर हिस्ट्री के पार्ट सी में मेजर भूमिका निभाता है कि मुगलों के साथ राजपूतों का जो संघर्ष था, तुर्कों के साथ जो राजपूतों का संघर्ष था, तो ये आपको पढ़ना भी चाहिए। हालांकि इसमें से 1 सवाल आया, लेकिन ये आपके पेपर सेकंड में भी बड़ी भूमिका निभाता है। तो 1 सवाल यहां भले ही आया है, लेकिन आपके 5-7 सवाल कम से कम, मैं कम बता रहा हूं, 10 सवाल आपके पेपर सेकंड में जो सब्जेक्ट का हिस्ट्री का होगा और उसमें जो पार्ट सी है उसमें आएंगे। तो ये फोकस करना है आपको, इस पर बहुत फोकस करना है। कई स्टूडेंटों ने मेरे से कहा कि सर प्लीज आप जब ये गाइड करें कि घर बैठे कैसे तैयारी करेंगे, लोग कहते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर, कि हम कैसे तैयारी करेंगे। हम कह रहे हैं कि हम ऐसे तैयारी करेंगे, बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे करेंगे, ठीक है। अच्छा अब है हमारे चौथा पॉइंट की भक्ति और सूफी आंदोलन, संत संप्रदाय, लोक देवी देवता, ये जो पॉइंट है ये 8-10 घंटे का कम से कम टॉपिक है ये। और इसमें से हमारे सवाल कितना आया, 1 आया। कितने सारे टॉपिक हैं, राजस्थान सबसे पहले तो भक्ति आंदोलन,
फिर सूफी आंदोलन, फिर संत संप्रदाय, फिर लोक देवी, फिर लोक देवता, और इन पांच टॉपिकों से सवाल कितना आया है? एक ही आया है। आगे देखिए, ये जो टॉपिक है इस पर ज्यादा फोकस करिए आप सब लोग। यह है हमारा आधुनिक राजस्थान, यह तो प्राचीन राजस्थान हो गया, एक ही टॉपिक है, तीन सवाल आए। यह मध्यकालीन राजस्थान है और मध्यकालीन राजस्थान से दो ही सवाल आए, यह तो कल्चर के टॉपिक हो गया। अब यह हमारा क्या है, 1857 से राजस्थान का एकीकरण तक है, और पिछली बार कॉलेज लेक्चर में आपके 15 सवाल आए थे इसमें से, कहां, हिस्ट्री वाले पेपर में, हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है, जो ऑप्शनल पेपर है, उसके पार्ट सी में यहां से 15 सवाल आए थे, और इसमें भी आपके इस जीके वाले पेपर में भी यहां से 5 सवाल आए हैं। तो मेरा तो आपसे कहना ही यह है कि आप जब ये आर्ट एंड कल्चर का, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का घर बैठे स्टडी करें, मेरे से पढ़ें, किसी और से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, कोई इश्यू नहीं है। आप सबसे पहले तो पहला टॉपिक तो ये पढ़ें, और फिर आप ये आधुनिक राजस्थान पे विशेष फोकस करें। हिस्ट्री वाले इस पर, राजपूत रियासतों का मुगलों के साथ जो संघर्ष हुआ था, इस पर फोकस करें, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये जो नेक्स्ट कल्चर का जो पॉइंट है, राजस्थानी कला संस्कृति का जो पॉइंट है, कि मेले और त्यौहार, चित्र शैलियां, लोक कथाएं, लोक गीत, लोक संगीत, लोक डांस और लोक वाद्य यंत्र, ये जो है, मेले और त्यौहार, चित्रकला शैलियां, लोक गाथाएं, लोक कथाएं, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक संगीत और लोक वाद्य यंत्र, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नाटक जो इसमें लिख नहीं रखा है, 8। 8 पॉइंट हैं आपके राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर के। और जरा देखिए सवाल कितने आए हैं, मेले त्योहार से एक सवाल आया है, लोकवाद यंत्र से 2 सवाल आए हैं, और ये जो वस्त्र और आभूषण हैं यहां से 1 सवाल आया है, और ये जो हैंडीक्राफ्ट है, हस्तकलाएं हैं, यहां से भी 1 सवाल आया है। देखिए, चित्रकला की शैलियों से कोई सवाल नहीं आया, लोक कथा कोई सवाल नहीं आया, लोक गीत का कोई सवाल नहीं आया, लोक नृत्य का कोई सवाल नहीं आया, लोक संगीत का कोई सवाल नहीं आया, लोक नाटक का कोई सवाल नहीं आया, केवल लोक वाद्य यंत्र के 2 सवाल आए हैं, वस्त्र आभूषण का 1 सवाल आया है और हस्तकला का 1 सवाल आया है। आगे देखिए, अपन जब जनरल राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर पढ़ते हैं तो वहां अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं, भाषा बोलियां और साहित्य, ये टॉपिक पढ़ते हैं अपन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में। एक देखिए, इस टॉपिक को यहां कैसे बांट रखा है, आप ये देखिए कितने पॉइंटों में बांट रखा है, स्पेशलाइजेशन कर रखा है कि राजस्थानी भाषा, इसका क्षेत्र और इसका विकास, क्लियर लिख रखा है कि राजस्थानी भाषा पढ़ो, आप बोली पढ़ो, इसका उद्भव पढ़ो और इसका क्षेत्र पढ़ो, उद्भव पढ़ो और इसका विकास पढ़ो, क्लियर हो गया। मेन डायलेक्ट्स एंड रीजन, ये इसका क्षेत्र हो गया, राजस्थानी स्क्रिप्ट, मुंडिया और देवनागरी, और फिर राजस्थानी साहित्य, इट्स इवोल्यूशन, कि इसका उद्भव कैसे कैसे हुआ, प्रारंभिक पीरियड में, पूर्व मध्यकाल में, उत्तर मध्यकाल में और आधुनिक युग में। और फिर यहां बता रखा है कि जो फेमस जो राइटर हैं और उनकी जो रचनाएं हैं,
यानी कि हम यहां जो एक हेडिंग में जो टॉपिक पढ़ लेते हैं उसकी कितनी हेडिंग बना रखी है, एक दो तीन चार और चार आठ। जब इतना क्लियर कर रखा है, जब इतना क्लियर कर रखा है तो फिर सवाल तो पूछेंगे ना भाई, तो सवाल पूछे तीन। तो डूंगरा स्पेशली फोकस करना है, यहां तीन सवाल हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब एक अंतिम टॉपिक, टूरिज्म ऑफ राजस्थान, हेरिटेज, टूरिज्म पॉलिसी और विजन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है, हर किताब में ये लेसन है, दो तीन पन्ने का लेसन है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सवाल इसका कोई आया नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल मंदिरों से पूछा। तो राजस्थान के जो प्राचीन मंदिर हैं, प्रियंका वेरी गुड इवनिंग, और सुनील मीना गुड इवनिंग। अच्छा क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा वो मैं बता रहा हूं ना, किताबें आप इतनी सारी और डिस्कस कर किस लिए रहे हैं, आपको किताब बता रहे हैं ना भाई। तो इसमें इस टॉपिक से सवाल तो मंदिरों से पूछा, तो लेकिन मंदिर भी तो राजस्थानी पर्यटन का हिस्सा है ना भाई, किले भी तो राजस्थानी पर्यटन का हिस्सा है ना, बावड़ी भी तो राजस्थानी पर्यटन का हिस्सा है, तो ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। पर्यटन सर्किट है, पर्यटन पॉलिसी है, हेरिटेज है, तो इससे रिलेटेड, इस मंदिर से, मंदिर जो भी सिलेबस में नहीं है यहां पर्यटन में आता है, तो इससे रिलेटेड दो सवाल पूछे। तो इस तरीके से राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर से आपसे कितने सवाल पूछे, आपसे 21 सवाल पूछे। तो अब आप इसके लिए बुक पढ़ेंगे कि भाई हमको किताब तो बताओ, किताब कौन सी है। तो किताब मैं हमेशा से, मैंने जितने भी स्टूडेंटों को आज तक पढ़ाया, मैंने सबको यही कहा कि राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में विद्वान बनने की, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा बनने के प्रयत्न मत करो, कर्नल जेम्स टॉड बनने का प्रयत्न मत करो। ये राजस्थान है, ये रंगीला राजस्थान है, ये वीरों की भूमि है, ये त्याग बलिदान की भूमि है, ये संत संप्रदाय की भूमि है। तो इसमें आप इस जीवन में आप पूरा लगा के भी हो सकता है कि आप इसे नहीं सीख पाए, आप इसे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का प्रयत्न करो, और राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की एग्जाम ओरिएंटेड एक बेहतरीन बुक्स है जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित होती है, वो है डॉक्टर हुकुमचंद्र जैन और नारायण माली। डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण माली, ये किताब पढ़िए आप, आपके मैक्सिमम सवाल हो जाएंगे। आप पांच किताबें दो गाइड हैं लाने से अच्छा है आप एक किताब को लाके तीन बार पढ़ दीजिए, और फिर आपके टेस्ट लेंगे ना। पहली जो क्लास चलेगी आपकी, जिस दिन पहली क्लास आपकी जीके की स्टार्ट होगी, उसके तीन दिन बाद आपके उस पेपर की टेस्ट सीरीज चलेगी और एग्जाम तक चलेगी और रोज चलेगी, रोज चलेगी, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो पहला पॉइंट, स्कूल लेक्चरर सॉरी कॉलेज लेक्चरर का जो थर्ड पेपर है उसमें हिस्ट्री आर्ट कल्चर का जो पहला जो सिलेबस का टॉपिक है उसका मैंने आपको क्लासिफिकेशन कर दिया, बता दिया कहां से कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, उसकी बुक बता दी मैंने आप लोगों को कि यही किताब लानी है। देखिए आप हमेशा कहते हैं कि 50,000-75,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया, कैसे नंबर आएगा? अरे भाई पढ़ने वाले बहुत कम हैं पहले से ही, माहौलबाज बहुत हैं कि बस अब मैंने फॉर्म भर दिया है, अब देखना अब मैं कॉलेज लेक्चर बन जाऊंगा। अरे भाई पढ़ने वाले बहुत कम हैं, अगर हिस्ट्री की 50 पोस्ट हैं, 55 पोस्ट हैं, तो आप यकीन मानो आपका कंपटीशन 500 स्टूडेंट से ही है। झोंक दो आप खुद को पूरी तरीके से, आप यही किताब लाके इसे बारी बारी से पढ़ो, आप मैक्सिमम सवाल सॉल्व कर देंगे। आप एक या दो सवाल के चक्कर में चार किताबें लाएंगे, आप किसी को भी नहीं पढ़ पाएंगे।
भाई किसी भी एग्जाम में 70%, 75%, 80% सवाल तो बिल्कुल इजी आते हैं, अपन उनको पढ़ते नहीं हैं। आगे देखिए, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है अपना सिलेबस का दूसरा पॉइंट। अपने सिलेबस का दूसरा पॉइंट क्या है? राजस्थान की ज्योग्राफी है। और जैसा कि मैंने कहा, अपने राजस्थान की ज्योग्राफी से पिछली बार कितने सवाल आए? 16 सवाल आए। अब इसमें फिजिकल है, ये ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, ये ड्रेनेज सिस्टम है, और ये भौगोलिक क्षेत्र हैं।
8 सवाल आए, इसके लिए आपको कोई किताब लाने की जरूरत नहीं है। इसमें राजस्थान की आर्थिक समीक्षा नाम से राजस्थान सरकार की बजट के दिन ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा नाम से एक किताब आती है। राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर भी है ये किताब, आपको ये सेक्रेटरीट के पास वहाँ डिपार्टमेंट में भी मिल जाएगी ये किताब, और अधिकांश जो अच्छे बुक सेलर्स हैं उनके पास भी मिल जाएगी ये किताब। आपको ये किताब पहले दिन से ही लेके आनी है। आपके इस किताब में से सीधे सवाल हैं ये, ऐसी कोई किताब नहीं है इसमें से इतने सवाल आते हो। ना हुकुमचंद जैन साहब की किताब है, ना हरिमोहन सक्सेना जी की किताब है, ना जनक सिंह जी की किताब है, ये सिंगल किताब है जिसमें से आपके इतने सारे सवाल आएंगे। ठीक है, तो ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में से 28 सवाल आएंगे, ये लेके आनी है आपको। ये आपको चैनल पे पढ़ाई भी जाएगी, रोज पूरी की पूरी ये किताब आपको चैनल पे पढ़ाई जाएगी, आपकी क्लास में पढ़ाई जाएगी ये पूरी किताब। हमें पता है आप ले आओगे, लेके रख दोगे। मैंने पहले भी जो स्कूल लेक्चर के बैच पढ़ाए हैं उनमें भी सब लोगों को यही बात कही है। आरएस वाले बैचों में भी मैंने खूब ये बात कही, आरएसपीटी में भी इसमें से 15 सवाल आते हैं। अब अपने सिलेबस का आखिरी पॉइंट, करंट इवेंट्स, कंटेम्परेरी इवेंट्स, जिनको अपन करंट इश्यूज कहते हैं, रोजमर्रा की जो घटनाएं हैं, समसामयिक की जो हैं, इसके पिछली बार अपने सोलह सवाल आए। आप करंट्स राजस्थान की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, इसके जो डिपार्टमेंट हैं उनकी साइट से पढ़ सकते हैं। आप रोज अखबारों से करंट्स तैयार कर सकते हैं। राजस्थान की करंट तैयार कर रही है, ध्यान रहे कहीं आप इंडिया और वर्ल्ड पढ़ने लग जाओ। और इसके लिए राजस्थान में जो करंट की मैगजीन आती हैं उसमें बहुत सारी मैगजीन हैं, एक मूमल है, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है। आप ये मूमल तो एवरी 2 मंथ्स में आती है, और क्रोनोलॉजी एवरी मंथ आती है। आप ये दोनों मैगजीन लाके करंट तैयार कर सकते हैं। हम भी आपको चैनल पर रोज करंट पढ़ाएंगे। इन दो मैगजीन के अलावा भी आपको कोई और मैगजीन तीसरी सूट करे, चौथी सूट करे, पांचवी सूट करे, आपकी जो मर्जी आए आप ला सकते हैं। ये नहीं कि मैं आपको ये बता रहा हूं तो यही लेके आनी है, आपका तो मन नहीं कर रहा इसको पढ़ने के लिए तो दूसरे ले आइए भाई। मैंने जो आपको बताया है वो आप ये ट्राई कर सकते हैं, ये दो मैगजीन। तो इस तरीके से देखिए, अपने कॉलेज लेक्चर का जो जीके वाला पेपर है, जो पेपर थर्ड है भाई, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक सवाल 1/2 अंक का रहेगा, यानी आधा नंबर का रहेगा, और 2 घंटे का पेपर होगा, 100 सवाल 50 नंबर, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो थोड़ा सोच समझ के करें, नेगेटिव मार्किंग का आपको पता है, 3 सवाल गलत कर देंगे तो 1 कम हो जाएगा। अब अगर अपन सब्जेक्ट पे फोकस करें तो अपन जिस सब्जेक्ट के लिए इतनी माथा फोड़ी कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, हाथा जोड़ी कर रहे हैं, वो अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री है। और उस सब्जेक्ट में अपने सिलेबस का जो पहला पेपर है, इस पहले पेपर में अपने
प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। और अनुसंधान रिसर्च यूनिट ए, यूनिट बी और यूनिट सी। मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा कि 150 क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स होंगे। पहला पेपर अपना प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और रिसर्च मेथोडोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तीनों कंपोनेंट से कितने सवाल आएंगे? 150 आएंगे। और बड़ी बात है कि ईच कंपोनेंट कैरी ऑन 50 क्वेश्चन। प्रत्येक कंपोनेंट से कितने सवाल आ रहे हैं? 50 सवाल आ रहे हैं। दोनों पेपरों में यही बात है, प्रत्येक यूनिट को बराबर वेटेज दिया है उन्होंने। ऐसे नहीं कि आप एंशियंट कम पढ़ लें, आप मिडेवल से ज्यादा सवाल आ जाएंगे। प्रत्येक कंपोनेंट से 50-50 सवाल आ रहे हैं। हां, अभी जब मैं आपको प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, उस समय मैं आपको यहां यह बताऊंगा कि प्रागैतिहासिक काल के प्रस्तर युग से कितने सवाल आए, रिसोर्सेज से कितने सवाल आए, सिंधु घाटी सभ्यता से कितने सवाल आए, प्राचीन भारत के सिलेबस में कौन से कंपोनेंट को ज्यादा महत्व दिया गया है, ये आपको मैं पेपर सॉल्व करते समय बताऊंगा। अगर अपन किताब की बात करें कि हम प्राचीन भारत के लिए कौन सी किताब लाएं, तो प्राचीन भारत के लिए आप जिन बुक्स को, ये मैं आखिर में बता दूंगा आपको, है ना, यहां इस पर जगह नहीं है, पीडीएफ है। आखिर में आपको सभी कंपोनेंट्स की किताबें बता दूंगा कि प्राचीन की कौन सी लानी है, मध्यकालीन भारत की कौन सी लानी है, ये सब बातें। पहले अपन एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो पेपर फर्स्ट में जो पहली यूनिट है वो प्राचीन भारत की है, जो दूसरी यूनिट है वो मध्यकालीन भारत की है, और तीसरी जो यूनिट है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी की है, हिस्टीरियोग्राफी की है, इतिहास लेखन की है। और जो इसका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में पहली यूनिट आधुनिक भारत की है, दूसरी यूनिट वर्ल्ड हिस्ट्री की है, और तीसरी यूनिट पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आ गया ना, 50 सवाल पूरे के पूरे। 50 सवाल किसे कहते हैं? तो हिस्ट्री वालों के लिए 50 सवाल तो यहां आएंगे और 20 सवाल जीके में आएंगे, 70 सवाल यानी 35 नंबर, यानी 200 में से 35 नंबर स्पेशल किसके हैं? राजस्थान हिस्ट्री के हैं। लगभग कितना? 5वां हिस्सा। बहुत वेटेज देगा आपको, बहुत बहुत ज्यादा लीड देगा आपको। तो ये हम, और सभी कंपोनेंट से, प्रत्येक यूनिट से 50 सवाल आएंगे। यूनिट जैसे प्राचीन भारत से 50, मध्यकालीन भारत से 50, रिसर्च से 50, ऐसे ही आधुनिक भारत के 50, विश्व इतिहास के 50 और राजस्थान के इतिहास से 50 सवाल। आगे देखिए, बोर्ड लाना है इस पर, बोर्ड नीचे इसको टॉप है। देखिए, तो ये अपने सिलेबस को लेके डिस्कशन हो गया। प्रकाश डाका बहुत देरी से आया, प्रकाश डाका, प्रकाश सारा पढ़ा हुआ है, कह रहा है रिसर्च के लिए, तो रिसर्च अभी, रिसर्च के लिए अपन नोट्स तैयार कर रहे हैं। प्रकाश अभी जब पढ़ाएंगे तब देख लेना। अभी बड़ा इशू कि हिस्ट्री के लिए किताब कौन सी पढ़ें। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ
प्राचीन भारत, कि अपन प्राचीन भारत की कौन सी किताब पढ़ेंगे। अभी धैर्य रखें, अभी आखिर में बताऊंगा मैं आपको कि क्लास किस दिन से शुरू होगी, क्लास टाइम क्या रहेगा, ये सब आखिर में। अभी 10 मिनट रुकिए, किताब भी तो जरूरी है ना। मैंने जीएस के लिए सारी किताबें जैसे बता दी, तो अब जो हिस्ट्री सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए भी किताबें देख लीजिए। तो प्राचीन भारत के लिए आप अगर पूरे प्राचीन भारत को एक ही बुक में पढ़ना चाहते हैं तो आप ले आइए केसी श्रीवास्तव। ठीक है, आप अगर कंपोनेंट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप ले आइए डीएन झा, झा और श्रीमाली। आपको पता है झा और श्रीमाली गुप्त काल तक की बात करती है। दूसरी किताब आपको लानी पड़ेगी फिर उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, और इस किताब के लेखक कौन है भाई, इस किताब के लेखक हैं विशुद्धानंद पाठक। इस किताब के लेखक कौन है, विशुद्धानंद पाठक। और तीसरी किताब आपको लानी पड़ेगी दक्षिण भारत का इतिहास, यह है नीलकंठ शास्त्री जी की। तो आपका पूरा प्राचीन भारत अगर आप एक ही किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप केसी श्रीवास्तव ले आइए। और अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो एक तो आप डीएन झा और श्रीमाली किताब ले सकते हैं, दूसरी आप उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए विशुद्धानंद पाठक की किताब ले सकते हैं, जिसको अपन पूर्व मध्यकाल कहते हैं, राजपूत काल कहते हैं, सामंतवाद का काल कहते हैं। विशुद्धानंद पाठक जी का इस टॉपिक पर मोनोपोली है, पूर्व मध्यकाल, प्री मिडिवल एज जो है, जिसको आप राजपूतों का काल कहते हो, जिसको आप सामंतवाद का काल कहते हो, उस पर मोनोपोली है विशुद्धानंद पाठक की, तो यह किताब। और दक्षिण भारत का इतिहास जिस पर नीलकंठ शास्त्री जी का एक अधिकार है, नीलकंठ शास्त्री जी की किताब को अगर आप संक्षिप्त रूप में पढ़ना चाहते हो तो विशुद्धानंद पाठक जी ने भी लिखी है। दक्षिण भारत का इतिहास नीलकंठ शास्त्री जी की किताब को समराइज करके लिखा है विशुद्धानंद पाठक जी ने। मेरे से आप पूछोगे कि क्या करना है, तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ये तीन किताब ले आओ। और अगर आपको प्राचीन भारत में आपकी थोड़ी बहुत कमांड है, आपको लगता है कि नहीं मैं ठीक ठाक जानता हूं, तो फिर आप प्राचीन और पूर्व मध्यकाल की एक किताब आती है उपेंद्र सिंह, आप ये भी ला सकते हैं। और प्राचीन भारत के जो सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो आपको यहां मिलेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स की प्राचीन भारत पर ठीक ठाक कमांड है, जिनको ठीक से आता है, वो लोग ये तीनों किताब लाएंगे और ये उपेंद्र सिंह भी लाएंगे। और जिनको लगता है कि नहीं अपने को एवरेज आता है, अपने को सीखना पड़ेगा, तो वो क्लास में पढ़िए और क्लास में पढ़ने के साथ वो केसी श्रीवास्तव लिए हैं। ठीक है, अब अपनी दूसरी यूनिट शुरू होती है। दूसरी यूनिट कौन सी, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत पे आप बिना सोचे समझे एक ही किताब लाएंगे, एच सी वर्मा, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। आप यही किताब लेके आएंगे, आपको यही पढ़नी है।
अगर आपको ये नहीं पढ़नी कि नहीं मैं तो ये नहीं पढ़ूंगा, तो फिर आप सतीश चंद्रा जी पढ़ेंगे। दोनों में से आप कोई भी किताब ला सकते हैं, ठीक है। अपना जो तीसरा पार्ट है अनुसंधान, अनुसंधान में ई श्रीधरन, एक दिल्ली हिंदी ग्रंथ अकादमी से एक लाल बहादुर शास्त्री जी की किताब आती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो पहला पेपर अपना कंप्लीट हो गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और अनुसंधान। इसके अलावा मैं आपको नोट्स बना के दूंगा बहुत जल्द, उनसे भी आप काम चला सकते हैं। इस टॉपिक के अधिकांश सवालों को सॉल्व करने के लिए आप प्रीवियस ईयर नेट जीआरएफ में जो सवाल आए हुए हैं अनुसंधान के, उनको पढ़ के भी आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश सवाल रिसर्च के रिपीट हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के नेट जीआरएफ के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, वो तो हमको वैसे भी देखने पड़ेंगे, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अब अगर हम आधुनिक भारत की बात करें, तो आधुनिक भारत में हमें सबसे पहले तो एक किताब लानी पड़ेगी राम लखन शुक्ल की, दूसरी किताब हमको लानी पड़ेगी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। आपको ध्यान ही है किसने लिखा है, विपिन चंद्र जी ने लिखा है। तो आधुनिक भारत में आप ये दो किताब लाएंगे, पहली किताब राम लखन शुक्ल जी की, दूसरी किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष किसकी है, विपिन चंद्र जी की है। फिर अगर हम विश्व इतिहास की बात करें, इतिहास सेम राइटर है वही, कौन, जैन और माथुर। अच्छा सीताराम कह रहा है कि मेरा नेट क्लियर हो गया है, अरे बहुत अच्छी बात है सीताराम, बधाई हो तुझे। आप यही एक किताब लाके पढ़िए, आप ज्यादा कोशिश करेंगे अगर विश्व इतिहास में अटक जाएंगे। आप कहेंगे कि मैं तो 20वीं शताब्दी में विश्व इतिहास के मुद्दे लाऊंगा, मैं तो यूरोप का इतिहास लाऊंगा, मैं तो अमेरिका का इतिहास लाऊंगा, जापान और चीन का इतिहास लाऊंगा, मैं तो आधुनिक पश्चिम का उदय लाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं, आप यही एक किताब लाएं, आपका इससे काम हो जाएगा। तो ये आपकी सारी किताबें हो गई। इन किताबों के अलावा कि भाई नहीं मैं तो किताब नहीं पढ़ना चाहता, अब तो मेरे पास समय नहीं है, इन किताबों को मैं ऐसे क्या पढ़ूंगा, कैसे होगा, तो हिस्ट्री के स्टूडेंट की रैक में ये किताबें होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर तो कुछ और लाएंगे, तो आप एक गाइड ला सकते हैं, कोई भी एक गाइड ला सकते हैं बाजार में से जो आपको अच्छी लगती हो कि नहीं मुझे तो यही पढ़नी है। मैं अपनी तरफ से आपको किसी भी गाइड का नाम सजेस्ट नहीं करूंगा, आपकी जो मर्जी ऐप ले आइए।
फैक्चुअल पार्ट के लिए आप ये गाइड ला सकते हैं, कोई भी धरती पर ऐसी एक गाइड नहीं है कि जिसमें गलती नहीं हो, सब में कोई ना कोई गलती होती ही होती है, आप बस उसकी अच्छी चीजों को ग्रहण करिए। तो अगर आप अली शेर खान, तेरा नाम मुझे हमेशा याद रहेगा, क्या हाल है तेरे, बढ़िया, तो कोई भी एक गाइड ला सकते हैं। आप कहो नहीं मैं तो किताब नहीं पढ़ूं, तो आप ये गाइड ला सकते हैं। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की सिक्स से ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ सकते हैं, बात हिस्ट्री की हो रही है। अगर आपको इतनी सारी किताबें नहीं चाहिए, आप एक गाइड लाइए, आप 6 से 12 एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए और आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए, लाइक नेट के, सेट के, आईएएस के, आरएएस के, स्कूल लेक्चरर के, जितने भी आप, जितने ज्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा आप पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, उतनी ज्यादा आपके सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। तो विष्णु सूरोड़ से विष्णु को शादी की बहुत सारी बधाइयां, और मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया इसके लिए खेद प्रकट करता हूं विष्णु, ठीक है, अभी जब तेरे बच्चे की शादी होगी फिर उसमें आएंगे, है ना। और ये देवेंद्र कुल्हार, बहुत दिनों बाद, देवेंद्र कहाँ गुम हो गया है तू, वो कहते हैं ना किसी, वो देवेंद्र कुल्हार को देख के मुझे एक बात याद आती है हमेशा, कि किसी को तो घर से निकलते ही मंजिल मिल जाती है, कई सारे बहुत सारा सफ़र करते हैं, बहुत बहुत दूरी तय करते हैं और तब जाके उनको सफलता मिलती है। तो देवेंद्र ऐसा कुछ नहीं, निराश मत हो, मस्त रह, जिस दिन भी तेरी सफलता मिलेगी उस दिन चारों ओर दुनिया रोशन हो जाएगी, और मुझे हमेशा से उम्मीद है कि देवेंद्र कुछ अच्छा करेगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया, मैंने आपको बता दिया, आप इतनी सारी ये किताबें हिस्ट्री के प्रत्येक स्टूडेंट की रैक में होनी चाहिए, आप इनको भले ही मत पढ़िए लेकिन ले आओ एक बार, जब आप ले आओगे तो अपने आप पढ़ना शुरू कर दोगे। अभी एग्जाम हमारे सिर के ऊपर है, तो आप एक गाइड ला सकते हैं, 6 से 12 तक की ओल्ड एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हैं, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो नेट के हों, चाहे सेट के हों, चाहे स्कूल लेक्चरर के हों, चाहे आईएएस के हों, चाहे आरएएस के हों, हिस्ट्री से रिलेटेड जहां से जो भी आपको सवाल मिले आप सॉल्व करिए, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आज अपनी क्लास 50 दिन के अथक प्रयास के बाद शुरू हुई है, बहुत सारे टेक्निकल इशू रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि कल क्लास शुरू हो और फिर यही दिक्कत आ जाए, भले ही अपन दो दिन लेट हो जाएंगे लेकिन अपन एरर लेस क्लास चलाएंगे, प्रॉब्लम विदाउट प्रॉब्लम क्लास चलाएंगे। तो मेरा प्लान तो कल से ही क्लासें शुरू करने को था लेकिन टेक्निकल इतने इशू आ गए, कभी कंप्यूटर हैंग हो रहा है, कभी नेट जा रहा है, कभी आवाज़ जा रही है, तो इन सब इश्यूज को देखते हुए अपन मंडे से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लासें दो पार्टों में रहेगी, एक जीएस और दूसरा सब्जेक्ट। जो जीके वाली क्लास रहेगी उसका अपना समय रहेगा 4 से 6 PM, और हमेशा की तरह जैसा आप जानते हैं इसमें एक क्लास तो हिस्ट्री की रहेगी और एक क्लास ज्योग्राफी की रहेगी। मैं हिस्ट्री क्लास इसलिए लगा रहा हूँ कि आपके सब्जेक्ट में भी वेटेज है, आपके जीएस में भी वेटेज है, और अपना जो सब्जेक्ट की जो क्लास रहेगी वो 6:15 से 8:30 रहेगी। अभी सारी जो क्लासें हैं ये देख लीजिए आप, जीएस जो थर्ड पेपर है उसकी क्लास 4 से 6 रहेगी, जिसमें दो क्लासें होंगी, एक हिस्ट्री की एक ज्योग्राफी की, और सब्जेक्ट जो विषय का जो पेपर है
वो 6.25 से, थोड़ा गैप चाहिए ना तुरंत, टाइम वैसे भी लगेगा तो आपको पहले ही क्लियर कर देंगे 6.25 से होगी, 6.25 से और 8:30 तक रहेगी, सब्जेक्ट की क्लास 6.25 से और 8:30 तक रहेगी, रोज अपन लगभग 2-2.5 घंटे क्लास चलाएंगे। अब देखिए इन दो क्लासों के अतिरिक्त अपन हिस्ट्री की डेली टेस्ट सीरीज चलाएंगे, अपन हिस्ट्री की डेली टेस्ट सीरीज चलाएंगे और उसका टाइम अपन अभी जैसे ही अपने विषय की क्लास शुरू होगी सोमवार से उसके बाद डिसाइड करेंगे। रोज अपन 1.5 घंटे का हिस्ट्री का एक टेस्ट पेपर सॉल्व कराएंगे। तो भाई जब तक अपना एप्लीकेशन नहीं आएगा तब तक अपन सभी हिस्टोरियंस कहाँ पढ़ेंगे? हिस्टोरिका एकेडमी जयपुर पे पढ़ेंगे। कविता जी अपन कहाँ पढ़ेंगे? हिस्टोरिका एकेडमी जयपुर पे पढ़ेंगे। और जैसे ही एप्लीकेशन आ जाएगा फिर तो अपन एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे। आवाज़ का थोड़ा इशू था, क्लियर हुई होगी। देखो एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस ऑनलाइन कोर्सेज में जो भी अपना ऑनलाइन कोर्स परचेज करेगा उससे ऑफलाइन की फीस नहीं ली जाएगी। जो कोई भी अपना ऑनलाइन का कोर्स परचेज करेगा उससे ऑनलाइन की फीस नहीं ली जाएगी। जो भी ऑनलाइन कोर्स लेगा उससे ऑफलाइन की फीस अपन नहीं लेंगे। अपन ऑनलाइन में जो भी फीस रखेंगे अभी अपन डिस्कस कर लेंगे कि भाई अपन कॉलेज लेक्चर के लिए क्या फ़ी रखेंगे, स्कूल लेक्चर के लिए क्या रखेंगे, नेट के लिए क्या रखेंगे, पेपर फर्स्ट के लिए क्या रखेंगे, वो जो भी फीस होगी। सपोज दैट अपन तो 8,000 रुपये में कॉलेज लेक्चर का बैच पढ़ाएंगे तो जैसे ही कोचिंग खुलेगी वो स्टूडेंट ऑफलाइन में आएगा तो वहाँ उसको 22,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, उसकी फ़ी ऑलरेडी ले ली है अपन ने 8,000 रुपये, तो उससे अपन ऑफलाइन में दोबारा फीस नहीं लेंगे।
जो स्टूडेंट करंट बैच में पढ़ रहे थे उनसे फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो अभी तो फीस की अपन बात ही नहीं करें, अभी अपन YouTube पे पढ़ा रहे हैं, अपना जब एप्लीकेशन आएगा उस समय अपन बात कर लेंगे, जो भी होगा आप सबसे बात कर लेंगे, जैसे भी डिस्कशन होगा, है ना। फीस को लेके अपन कभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं रहे हैं, अभी अपनी क्लास YouTube और Facebook पेज दोनों एक ही नाम से है, दोनों एक ही नाम से है, हिस्टोरिका अकेडमी जयपुर, इस पे ही चलाएंगे अपन। टाइम मैंने आपको बता दिया, 4 से 6 GS की क्लास रहेगी, 6:15 से और 8:30 अपने सब्जेक्ट की क्लास रहेगी। अपन मिल रहे हैं कब, अपन मिल रहे हैं मंडे को कितनी बजे, 4 PM पर। ये क्लास मैं कल से ही शुरू करने वाला था, आज लाइव आने का मोटो ही ये था कि अपन क्लास शुरू कर दें कल से, लेकिन टेक्निकल इश्यू आ गए, बार बार आवाज़ जा रही है, कंप्यूटर हैंग हो रहा है, नेट जा रहा है, तो फिर अपन इन डिस्टर्ब की वजह से अब इसे मंडे को करेंगे। तो अपन मंडे को मिलते हैं, तब तक आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, आगे शेयर कर दें, तुमको लगे कि ठीक है करना चाहिए तो वेल एंड गुड है। बाकी मैंने हमेशा कहा हिस्टोरिका अकेडमी तुम लोगों का है, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ाने आता हूँ। तो सभी लोग तैयारी में जुट जाएं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, फैमिली के साथ होंगे, माता पिता की बात मान रहे होंगे, और मैं जो प्रवचन दे रहा हूँ इनका फॉलो करेंगे, थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, अक्सरस तो खैर नहीं किया आप लोगों ने, 10-20-30-40% तो कर लोगे तो ठीक है। समस्याएँ सबके हैं, मेरी अपनी समस्याएँ हैं, नरेंद्र मोदी की अलग समस्या है, देश के किसानों की अलग समस्या है, और अभी नेटफ्लिक्स, अमेजन, मिक्स प्लेयर, इन सब की अलग समस्याएं हैं, सबके पास आपके पास फ़ोन है, नेट है, OTT प्लेटफॉर्म है, दिन भर वेब सीरीज़ देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, चश्मा लगा लिया है तुम लोगों ने, आंखें कमज़ोर हो गई हैं, तो अब इन सब से दूर हो जाएं और थोड़े दिन अब अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब अपन मंडे को मिलेंगे 4 बजे।